मैं एग्जैक्ट आपको 15-20 मिनट्स बाद उसको वॉश करके भी दिखाऊंगी और मैं आपको दोनों हाथों में डिफरेंस भी बताऊंगी कि इसका कितना अच्छा डिफरेंस आया है। इसको आपने लिया और आपने इसको इस तरह करके अच्छी तरीके से लेप कर देना है। आज तक मैंने बहुत टोटके इस्तेमाल किए हैं लेकिन मुझे उनमें से जो सबसे सही लगा है ना, जो एकदम से, मतलब कि मैं आपको नहीं बोलूंगी इसका 100% रिजल्ट आता है, लेकिन मैं आपको ये लाजमी बताऊंगी कि इसका कम से कम 50% इंस्टेंटली दिखेगा। 15 minutes later. तब इसका मतलब है कि अब आपका टाइम आ गया इसको वॉश करने का। सिर्फ इन दो इंग्रेडिएंट से जो है मैं आपको एक लेप बता रही हूँ, एक आलू का जूस। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी और हर बीमारी से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आपके लिए देसी टोटका लेके आई हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि आपको पता होगा आजकल सख्त गर्मियाँ है और टैनिंग का मौसम है और आपकी स्किन जो है वो धूप की वजह से निहायत ही खराब हो रही होगी, इसलिए मैं आपके लिए एक देसी नुस्खा लेके आई हूँ जिसमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट है और ये दो इंग्रेडिएंट हर घर में होते हैं। बेसन, जैसे कि आपको पता होगा बेसन फायदे हैं, ये टैनिंग के लिए बहुत अच्छा यूज होता है, जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट्स होते हैं या जहाँ पे आपके चेहरे पे या हाथों पे आपके दाग धब्बे होते हैं उसको मिटाने के लिए ये अच्छा और हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है जो हर किचन में होगा। सबसे पहले हम लेंगे बेसन। बेसन आप ले सकते हैं 2 टेबल स्पून। फिर उसके बाद मैं मेन इंग्रेडिएंट पे आऊंगी। मेन इंग्रेडिएंट है आलू का जूस। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे आलू के जूस से कैसे रंग गोरा हो सकता है और आपके जो दाग धब्बे हैं चेहरे के, हाथों पे जो टैननेस है धूप से और सूरज से, वो कैसे दूर हो सकती है। वो जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है ये आलू जूस। अब ये आलू का जूस कैसे बनेगा, इसको जो मिक्स करेंगे तो असल कलर इसका नीचे बैठ जाता है। ये आलू का जूस कैसे बनेगा, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आप लेंगे एक आलू, उसको छीलेंगे, उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लें और छोटे छोटे क्यूब्स करने के बाद आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ग्राइंडर में ग्राइंड करके छोटे छोटे ग्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, जिस तरह गाजर कद्दूकश हुई भी होती है, या फिर आप कद्दूकश से जिस तरह गाजर को कद्दूकश करते हैं उस तरह आप आलू को कर सकते हैं। और ग्रेट करने के बाद या फिर क्यूब्स की फॉर्म में ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद आप उसको स्ट्रेनर में डालेंगे। स्ट्रेनर में डाल के ऊपर चम्मच की मदद से आप उसको प्रेस करते जाएंगे और नीचे से उसका जूस निकलता जाएगा। ये है हमारा की इंग्रेडिएंट। कोनियों पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, आपकी नेक डार्क होती है, डार्क सर्कल्स तो हर किसी के चेहरे पे होते हैं, तो सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है। और ये मैं बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगी, ये सिर्फ इन दो इंग्रेडिएंट से मैं आपको एक लेप बता रही हूँ, एक पेस्ट हम लोग इसको बना लेंगे। इसमें हम लोग ये आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ ये पेस्ट की फॉर्म में कैसे बन जाएगा। ये पेस्टी फॉर्म बन गई है। अब आप इस पेस्ट को अपने हाथों पे मैं आपको लगा के बताऊंगी और मैं एग्जैक्ट आपको 15 मिनट्स बाद उसको वॉश करके भी दिखाऊंगी और मैं आपको दोनों हाथों में डिफरेंस भी बताऊंगी कि इसका कितना अच्छा डिफरेंस आया है, कि आपकी स्किन पे जितने डेड सेल्स होते हैं उसको ये धो देता है, उसको ये उतार देता है और आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है और जो टैननेस है आजकल धूप है बहुत ज़्यादा सूरज की, वो दूर करता है। इसको आपने लिया और आपने इसको इस तरह करके अच्छी तरीके से लेप कर देना है। अगर डार्क सर्कल्स की वजह से फेस पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, ये बेस्ट चीज़ है बेसन और आलू का जूस। आज तक मैंने बहुत टोटके इस्तेमाल किए हैं लेकिन मुझे उनमें से जो सबसे सही लगा है ना, जो एकदम से, मतलब कि
मैं आपको नहीं बोलूंगी इसका 100% रिजल्ट आता है, लेकिन मैं आपको ये लाजमी बताऊंगी कि इसका कम अज कम 50% इंस्टेंटली दिखेगा। अब ये हमने इस तरह लगा लेना है, 15 मिनट्स बाद जब ये बिल्कुल ड्राई आउट हो जाएगा और ये थोड़ा सा फेम हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, फिर उसके बाद नीम गर्म पानी से सर्कुलर मोशन में रब करके फिर उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी कि 100% ये सही चीज है। 15 मिनट्स लेटर ये जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आपके ऐसे क्रैक्स आ जाएं, तब इसका मतलब है कि अब आपका टाइम आ गया इसको वॉश करने का। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब हम इसको वॉश करते हैं। ये आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा इसके और इसके दरमियान में, ये आप देख सकते हैं इसका और इसका डिफरेंस आपको आपके सामने पता होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसी को रब किया है और इसको धो दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हिना बिलाल शो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।